चलिए आज का करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं 6 फरवरी 2024। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति, इसका संबंध किससे है? तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो यह 66वें नंबर का 2024 में होने वाला है, हो चुका है। यह लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ है। इसमें 3 अवार्ड जो हैं जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, 2 अवार्ड राकेश चौरसिया जी को मिल चुके हैं जो कि बांसुरी वादक हैं, और 1 अवार्ड शक्ति फ्यूजन बैंड को मिला है। और इस बैंड का जो एल्बम है दिस मूवमेंट एल्बम, यह इसका एल्बम है। इसमें शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन जो कि वायलिन वादक हैं, और जाकिर हुसैन और सिल्वा गणेश इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेस्ट एल्बम टेलर स्विफ्ट 2G को मिल चुका है, जो इनका एल्बम का नाम है मिडनाइट एल्बम, और 2023 ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को मिला है। 3 अवार्ड रिकी केज को मिल चुके हैं। इसमें पद्म भूषण बात करें तो 2024 में 5 लोगों को मिल चुका है, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, वेदेश्वर पाठक। वैजयंती माला जो कि भरतनाट्यम के कलाकार हैं, चिरंजीवी साउथ के एक्टर हैं, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के कलाकार हैं, और वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम बाला सरस्वती जी को कहते हैं, और भरतनाट्यम की शुरुआत कुमारी देवी जी ने किया था। ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर 2023 को नाटू सॉन्ग को मिला, जो RR फिल्म का है, जिससे संगीतकार जो है MM तिलवानी जी हैं। और दूसरा ऑस्कर मिला है 2023 में द एलिफेंट विस्पर को मिला है, यह शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो म्यूजिक अवार्ड है, इसमें पहला पंडित रविशंकर जी को मिल चुका है। पहला ग्रैमी अवार्ड जो है भारतीय पंडित रविशंकर को मिला, यह सितार वादक हैं। 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है जो 1999 में मिला था। 2023 की बात करें तो रिकी केज, इनका टाइट इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइट्स, इन्हें मिल चुका है 2023 का अवार्ड। टेलीविजन की खोज की थी JL बेयर्ड ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में पहला अवार्ड चाइना के हुआतेंग सा को मिला है, जो कि टेंसेंट कंपनी के मालिक हैं। सेकेंड अवार्ड भारतीय मुकेश अंबानी जी को मिल रहा है, जो रिलायंस के कंपनी के मालिक हैं। और 5वां अवार्ड एन चंद्रशेखर जी को मिल चुका है, जो कि टाटा के चेयरमैन हैं। यह अवार्ड कर्मचारी के समाज हित निवेशकों का हित को प्राथमिकता जो कोई देता है उसे मिलता है यह अवार्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक 111वीं है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4वीं है, जिसमें कि अमेरिका है, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद हांगकॉन्ग 5वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो 80वें नंबर पर भारत है, और ग्लोबल नवाचार इंडेक्स की बात करें तो यह 40 नंबर जो है भारत की रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 127वीं रैंक भारत की है, और हैप्पीनेस और पीस इंडेक्स की बात करें तो 126वीं रैंक जो है भारत की है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे प्लस समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो 878 दिन और 12 घंटे का रिकॉर्ड अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड है, इन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं। और रसिया के ओलेग कोनो जी हैं, इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है। चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टिना कोच हैं, जो कि नासा से हैं, और इनका मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। मार्स रोवर का वाहन संभालने वाली पहली भारतीय महिला अचरा कृष्णमूर्ति जी हैं, जो मार्स रोवर जो कि अमेरिका का है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने LVM3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, और यह 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। तो इसी डेट को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। एशिया और यूरोप दोनों देशों में रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में शामिल है, और तुर्की भी इसी में शामिल है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। एशिया और यूरोप में बहने वाली नदी जो है बोल्गा नदी है, और बीच में पर्वत जो है वह यूराल पर्वत है। यूरोप की लॉन्गेस्ट नदी बोल्गा नदी है। चाइना की बात करें तो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है यांगटीसी नदी है, जो कि चाइना में है, संघाई सहायक किनारे इसकी स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन हुआ था, और जबकि 2024 में गोवा में आयोजित किया गया है।
इसमें छह मंडप देश हैं जो कि जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, रूस, कनाडा, नीदरलैंड और जर्मनी शामिल हैं। यह भारत ऊर्जा सप्ताह दिवस 6 से 9 फरवरी तक मनाया जाएगा। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। रूस की राजधानी मॉस्को है, यूके की राजधानी लंदन है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता था और 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है, इसलिए यह राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सर सीवी रमन के जन्मदिन की उपलक्ष्य में। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी 1971 को। रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर साइट की बात करें तो भारत में कुल 80 हो चुकी हैं। पहले नंबर पर तमिलनाडु सर्वाधिक, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 2024 में इसका सम्मेलन जो इसका बैठक जो है रामसर साइट की बैठक 2024 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है और यहीं पर 5 रामसर साइट को शामिल किया गया जिससे कुल 80 हो चुकी हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के बाद तो हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना असम में स्थित है। यह राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ये कामाख्या यहाँ पे अंबुबाची मेला होता है और यहाँ पे योनि पूजा, मनुष्य की उत्पत्ति योनि पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें पीएम दीवानी योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और गुवाहाटी यूनिटी मॉल में खोला जाएगा। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला गया है, मध्य प्रदेश में है। और नेशनल पार्क असम के नेशनल पार्क की बात करें तो नामेरी, ओरान, रायमोना, देहिंगपुर की मानस, जिरंगा आदि नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। असम के गवर्नर जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। सत्रिया यहाँ का नवीनतम क्लासिकल डांस है। बिहू बगरुमा यहाँ के लोक नृत्य हैं। और बोडो डोगरी संथाली मैथिली ये जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। दुर्लभ गोल्डन टाइगर की बात करें तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित यहाँ पाया जाता है। सत्रिया डांस श्रीमद शंकर देव ने स्टार्ट किया था। असम का डांस है क्लासिकल डांस सत्रिया जो कि नवीनतम डांस है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल 2024 महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित है। संभाजीनगर का पूरा नाम औरंगाबाद है और महाराष्ट्र CM का नाम एकनाथ शिंदे जी है। और यह 7 साल बाद 2023 में रिस्टार्ट हुआ था और 2024 में यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। इसमें पद्मपाणी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी के अंतर्गत जावेद अख्तर जी को मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। महाराष्ट्र में फेमस लोक फोक डांस जो है लावड़ी तमाशा लेजिम है। लेजिम एक वाद्य यंत्र भी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, कजरी, चरकुला यहाँ के फोक डांस हैं। IFF इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन पीकॉक अवार्ड की बात करें तो इंडलेस बॉर्डर फिल्म को मिल चुका है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है। IIFA 54वां गोवा में आयोजित किया गया है और फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म लाकेटरी को मिल चुका है। इसके निर्देशक आर माधवन है। और हिंदी फिल्म की बात करें तो सरदार उधम को राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकुल पंत के कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये एक आसमान पहाड़ी है, एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो एक प्रकार का नेटवर्क है शामिल पहली मेट्रो चेन्नई मेट्रो है। यात्रियों को टिकटिंग की व्यवस्था की जाती है। इसमें ऑनलाइन कैशलेस और डिजिटल बुकिंग इसमें सुविधा दी गई है। नमो भारत की बात करें तो यह RRTS है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह दिल्ली से मेरठ और गाजियाबाद के बीच में चलने वाली है। अटल सेतु की बात करें तो इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। यह समुद्री पुल है। यह मुंबई से नवी मुंबई तक जोड़ता है। नदी पुल की बात करें तो भूपेन हजारिका नदी पर स्थित पुल है और यह लोहित नदी पर स्थित है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो PM E-Bus सेवा 10,000 बस शुरू की जाएंगी। PM E-Bus सेवा के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 2 असम में स्थित है।
ब्रह्मपुर नदी पर है जो कि डुबरी से सादिया तक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी जी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी IAS जी नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। महिला मुख्य न्याय उत्तराखंड की महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु भारी हैं और यहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। CISF की पहली महिला हेड IPS नीना सिंह है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP IPS रश्मि शुक्ला जी हैं और उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक हैं और तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल जो है तमिलसाई सौंदरराजन है और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। ये इनका निधन हो चुका है और इन्हें ही अभी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि पहली महिला राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की जो कि सर नायडू जी हैं। इन्हीं के जन्मदिन 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो बापू टावर की बात करें तो बिहार पटना में स्थित है। 120 फीट की ऊंचाई है। 6 मंजिल बने हैं इसमें। यह तांबे का पहला टावर है जो बापू टावर के नाम से फेमस है और इसमें तांबा और नाइट्रोजन तांबा का बना है। इसमें पर्यावरण से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से इसका कलर रेनबो कलर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी को बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था नील की खेती का विरोध करने के लिए। 3/20 भाग में नील की खेती की जाती की करने के 3/20 भाग में नील की खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में आयोजित किया गया था जो कि महात्मा गांधी जी ने किया था और महात्मा गांधी जी को इस सत्याग्रह में बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल जी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी रात में ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था। यहीं पर बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद किया गया था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ के इसमें वायसराय जो है लिलित को थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो कि कर्नाटक में है। यह एकमात्र महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने त्याग की थी असहयोग आंदोलन में जो कि शुरुआत हुआ था 1920 में और यह खत्म हुआ था 1922 में 5 फरवरी 1922 में क्योंकि चौरा चौरी कांड हो चुका था गोरखपुर में। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है? नीतीश डिवाइस जो कि बिहार में लॉन्च हुई है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह वाटरप्रूफ है, बिजली गिरने बढ़ाने की चेतावनी देगा। यह लॉकेट के फॉर्मेट में है जिसमें अलार्म बजेगा और कलर चेंज होगा बिजली गिरने और बाढ़ आने के समय। इसका ग्रीन से रेड हो जाएगा कलर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर बीना मोदी जी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। धन्यवाद।